आज हम बात करेंगे जाति संबंधी विचार पे जो GS घुरिया साहब ने दिए हैं। जाति व्यवस्था के बारे में हमने पहले भी एक लेक्चर में बताया है, आज हम स्पेशली GS घुरिया साहब का जो दृष्टिकोण है उस पे बात करेंगे। GS घुरिया साहब ने जाति के बारे में बताने के लिए अपनी जो किताब है उनकी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, उसमें विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की है। उनका कहना है कि पहले जो विद्वान हैं उन्होंने जो बात बताई है उसमें वो सच्चाई नहीं है जो वास्तव में जाति के लिए कही जानी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अबे डुबाय ने जाति शब्द को कास्टा, जो कि प्रजाति भिन्नता को इंगित करता है, कहा है। इसके अलावा कूले ने जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक हो जाता है तो उसे जाति कहते हैं। इसके अलावा मजुमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। इसी के साथ साथ हट्टन साहब ने जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि पूरा समाज आत्म केंद्रित तथा दूसरे से पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इसी के साथ साथ रिजले साहब ने जाति परिवारों या परिवारों के समूह का संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है और एक काल्पनिक पूर्वज होता है। इन समाजशास्त्रियों विद्वानों की कही गई बातों में उनको कुछ कमियां नजर आती हैं। यही कारण है कि GS घुरिया साहब ने जाति से संबंधित विचारों बताने के लिए कुछ दृष्टिकोण रखे हैं, कुछ पक्ष रखे हैं जिसके आधार पर उन्होंने जाति के बारे में समझाने का प्रयास किया है। पहला तो है कि एक पक्ष है कि जाति का खंडात्मक, जाति की जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर हम समझने का प्रयास करें। पहला है जाति का खंडात्मक विभाजन, यानी प्रत्येक जाति अनेक खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड की अपनी एक स्थिति है, अपनी एक पारस्परिक दायित्व है और जातिगत नियम है जिन नियमों के हिसाब से वो जाति चलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था में अनेक तरह के खंड में बटे हुए रहते हैं। इसके साथ ही साथ संस्तरण की व्यवस्था भी होती है। जाति व्यवस्था में ये देखा गया है कि ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है, कोई जाति बड़ी है कोई जाति छोटी है, इस तरह से संस्तरण की व्यवस्था पाई जाती है। इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च स्थान पर दिखाई पड़ती है जबकि अन्य जातियों की स्थिति नीची स्थिति दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है। खान पान का प्रतिबंध विशेष रूप से जातियों में देखा जाता है। खान पान के नियम के अनुसार उसका पालन जातियाँ करती हैं। इसमें कच्चा भोजन और पक्का भोजन दो तरह का दृष्टिकोण है। कच्चा भोजन जो जिसमें कि तेल का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो कच्चा भोजन कहलाता है, इसके नियम कठोर हैं। पक्के भोजन में काफ़ी हद तक रिलैक्सेशंस है जिसके आधार पर वो भोजन दूसरी जातियाँ भी एक जाति का खा सकती है, जबकि कच्चा भोजन ज़्यादातर अपनी ही जाति के हाथ का बना ही खाया जाता है। इसके साथ साथ नागरिक और धार्मिक निरोगताएं भी हैं। इन उच्च जातियों के नागरिकों को काफ़ी अधिकार प्राप्त हैं जबकि नीची जातियों के व्यक्तियों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, उन पर निरोगताएं लगा दी गई हैं। यानी यहाँ पर ये देखा जाता है कि जातियों के संबंध में इस नियम का पालन आज इतने समय के चेंज के बाद भी आज भी दिखाई पड़ता है, हालांकि वो चीज़ कम है। व्यवसाय और के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध, प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है जो जन्म से निर्धारित हो जाता है। इस आधार पर कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यवसाय नहीं चुन सकता, इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ साथ विवाह पर प्रतिबंध, विवाह को अंतर्विवाही माना जाता है, कोई भी व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है। विवाह से बाहर विवाह करने पर, जाति से विवाह बाहर विवाह करने पर रोक लगी गई रोक लगाई जाती है, इस नियम का पालन किया जाता है। इसके साथ साथ जाति को समझाने के लिए उन्होंने जाति और प्रजाति के बारे में भी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। चूँकि कुछ प्रारंभिक विद्वान ये भी कहते थे कि जाति और प्रजाति लगभग एक जैसा ही है, जबकि ये चीज़ नहीं है। प्रजाति एक तरह की जैविकी धारणा है जबकि और एक बड़ा समूह है जिसे कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर समझा पहचाना जाता है। घुरिया ने तीन प्रकार की प्रमुख प्रजातियों का विवरण किया है जैसे काकेसाइड, मंगोलाइड और इसके नेग्रोइड। तो ये प्रजातियाँ हमको तीन तरह की दिखाई पड़ती हैं जो संसार के अनेक स्थानों पर रहती हैं। संपूर्ण यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वहाँ काकेसाइड प्रजाति के लोग रहते हैं। और मंगोलाइड प्रजाति की बात जब हम करते हैं तो इनका रंग हल्का सा पीला होता है जबकि काकेसाइड का रंग गोरा होता है।
और मंगोलाइट का रंग हल्का सा पीला होता है, और इनका जो सिर चौड़ा होता है, नाक छोटी होती है या चपटी होती है, जबड़े की हड्डी पर मांस अधिक होता है, और आंखें छोटी होती हैं। चीन, जापान, म्यांमार, तिब्बत, ये सब देश का मंगोलाइट प्रजाति के कहलाते हैं। इसके साथ साथ मोटी व चपटी नाक, लंबा सिर, आगे की ओर निकला हुआ मुंह, मोटे व लटके हुए होठ, ऊनी व ऊनी ऊनीदार टाइप के बाल होते हैं, काले व गहरा बादामी रंग होता है, दोनों ओर उभरे हुए जबड़े होते हैं, अफ्रीका के निवासी इस प्रजाति के कहलाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रजाति व जाति एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कि अगर भिन्नता की बात करते हैं तो प्रजाति एक जैविकी धारणा है, जबकि जाति एक सांस्कृतिक व्यवस्था का नाम है। जाति व्यवस्था मानव रचित है। जब हम जाति की बात करते हैं तो ये मानव रचित है, जबकि प्रजाति का विभाजन विभिन्न भौगोलिक दशाओं में, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया में और प्राकृतिक प्रवरण के आधार पर होता है। जाति केवल भारत में पाई जाती है, जबकि प्रजाति सारे संसार में पाई जाती है। प्रजातियों में व्यवसायिक दृष्टिकोण का जो विभाजन है वो नहीं होता है, न ही पवित्रता का दृष्टिकोण होता है। जातियों में ये इस नियम का पालन प्रत्येक को करना होता है। इसके साथ साथ अगर हम ये तो विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है जाति और प्रजाति के बीच में, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। अगर हम जाति की बात करते हैं या प्रजाति की बात करते हैं, दोनों में सजातीयता के प्रति चेतना दिखाई पड़ती है। जिस तरह से जातियों में कोई वास्तविक भिन्नता नहीं होती, वैसी प्रजातियों में भी कोई वास्तविक भिन्नता नहीं होती, केवल गोरे रंग और काले रंग के आधार पर अंतर किया जाता है। इसके बाद खासकर जी एस गुरिया साहब ने जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर बताने का प्रयास किया है, क्योंकि जाति की उत्पत्ति के बारे में भी अनेक सिद्धांत हैं, और जैसे चाहे वो हट्टन का सिद्धांत है या रिजले का सिद्धांत है, कई तरह के सिद्धांत हैं, अबिडुवाय का सिद्धांत है, परंपरागत सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पर जी एस घुरिया साहब ने जाति प्रथा के उद्भव के लिए प्रजाति आधार से संबंध करते हुए प्रमुख से ब्राह्मणवादी नीति का परिणाम बताया है। भारत आने से पहले इंडो आर्यंस रोमन संस्कृत से प्रभावित थे। संभ्रांत व्यक्तियों के बीच भेद, कर्मकांडों की पवित्रता और संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा सभी अधिकारों का और पर एकाधिकार तथा निम्न वर्ग के दासों के साथ दासों के तरह से का व्यवहार की विशेषता उन्होंने ग्रहण की, यानी ये सब चीज़ें उन्होंने ग्रहण की वहाँ रोमन संस्कृति से। आर्यों ने द्रविड़ों को परास्त किया, और यहाँ पर उन्होंने उपयुक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें अपने आप को द्विज कहा, और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको उन्होंने दास या शूद्र कहा। बाद में भौगोलिक अधिकारों यानी भौगोलिक अधिकारों का प्रदर्शन करके एक तरह से ब्राह्मणों के को एक तरह से ब्रह्म का प्रतिरूप कहा, और द्रविड़ों को अपना के मिश्रण को रोका। तरह तरह के भ्रामक प्रचार किए, यानी एक तरह से भ्रामक प्रचार करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया। जातियों के बीच विवाह, सामाजिक संपर्क, खान पान संबंधी प्रतिबंध लागू किए। शुरुआत के समय में तो उन्होंने अनुलोम विवाह किए, लेकिन प्रतिलोम विवाह को रोका, लेकिन जब बाद में खासकर द्रविड़ जातियों के लोगों ने समझा तो उन्होंने भी विवाह करने से रोक लगाने का प्रयास किया। मुख्य रूप से अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह रोके गए। बाद में घुरिया साहब ने धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर जाति व्यवस्था का सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी अनेक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ये बताने का प्रयास किया कि जाति इस तरह से उत्पन्न हुई। इसके साथ साथ जाति के साथ जो अस्पृश्यता और अनुसूचित जाति का दृष्टिकोण है उसको समझने का प्रयास किया गया है। इन्होंने तीन वर्णों को द्विज कहा, और जो चतुर्थ वर्ण था उसको निम्न कहा गया। यहाँ पर रहने वाले जो द्विज थे उनको एक तरह से निम्न स्थान दिया गया। खान पान, विवाह और सामाजिक संपर्क के नियमों का सख्ताई से पालन किया गया, जिसके साथ जिसका आधार था कि वो किसी तरह से मिश्रण ना हो पाए और मिश्रण को रोकने का प्रयास किया। अगर हम बात करते हैं 2000 वर्ष पहले की, तो 2000 वर्ष पहले वर्णों का विभाजन था, लेकिन इस तरह की निरोगताएँ नहीं थी।
आज जो 100 साल पहले या 150 साल या 200 साल पहले जो स्थिति हमारे देश की बहुत भयावह थी, जिसमें छुआछूत छुआछूत अस्पृश्यता का दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा था, लेकिन 2000 वर्ष पहले भी वर्णों का विभाजन तो था, लेकिन स्पर्शता का दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता है। मौर्य काल के समाप्त होते होते जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो चुका था। जैन धर्म बौद्ध धर्म भी का प्रभाव बढ़ रहा था, हालांकि ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अपनाते नहीं थे, ये एक तरह से उनको उनके पक्षधर नहीं थे। लेकिन 3री शताब्दी के बाद, जब 3री शताब्दी आई, तो ब्राह्मण ग्रंथों और स्मृतियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, और तब शूद्र जातियों को अपवित्र मानकर विवाह, खान पान, व्यवसाय, सामाजिक संपर्क तथा धार्मिक आचरणों के प्रति प्रतिबंध लगने शुरू हो गए। इस तरह से ये प्रतिबंध 3री शताब्दी से शुरू हुए। और हर्षवर्धन जो राजा थे, उनके बाद ये धार्मिक नियमों को वास्तविक हिंदू धर्म के रूप में मान्यता दी गई, और यहीं से शूद्र जातियों को अपवित्र और निम्न व्यवसाय करने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य जातियों के साथ स्पर्शता को रोका गया। एक तरह से मंदिरों, तालाबों, सार्वजनिक स्थानों को पर जाने से रोकने का प्रयास किया। इन्हीं जातियों को स्पर्श कहा गया। और स्वतंत्रता के बाद, हालांकि भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयासों द्वारा एक अनुसूची बनाई गई, और उस अनुसूची के माध्यम से इन निर्योगताओं को दूर करने का प्रयास किया गया। वो ठीक है, स्पर्शता निवारण अधिनियम बना और अनुसूची बनाई गई। देश में आज ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारे बहुत सारे क्षेत्र में ये चीज़ छिपे तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देती है, जिसके कारण परेशानी पैदा होती है। खासकर जी एस घुरिया साहब का जो दृष्टिकोण था, उनका कहना था कि 2000 साल पहले स्पर्शता जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज 200 साल पहले, 300 साल पहले या 500 साल, 1000 साल पहले ये स्थिति दिखाई देनी शुरू हुई। इसके साथ साथ अगर हम जाति व्यवसाय की बात करें, तो जाति अतीत में जब वर्णों का विभाजन हुआ, तो उनके व्यवसाय का भी विभाजन हुआ। अनेक वर्णों का विभाजन जिस तरह रूप में हुआ, उस तरह से उनके व्यवसाय को भी देखा गया। विभिन्न वर्णों के अंतर्गत जब जाति समूह का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, और विभिन्न जातियों के व्यवसाय पूरी तरह से आनुवंशिक नहीं थे, मतलब उनके जो व्यवसाय आनुवंशिक शुरुआत में नहीं थे, लेकिन यह माना गया कि जाति की जो सदस्यता, वह जन्म पर आधारित व्यवस्था है, उनके व्यवसाय भी अब निश्चित कर दिए गए। मतलब उनको जो व्यवसाय वो करते थे, उसी हिसाब से उनके व्यवसाय भी निश्चित कर दिए गए। व्यवसायों में शारीरिक श्रम की तुलना में गैर शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को उच्च माना गया। मतलब जो शारीरिक श्रम करने वाले व्यवसाय थे, उनको निम्न माना गया, और जो गैर शारीरिक श्रम वाले थे, उनको एक तरह से उच्च माना गया। जाति और वर्ग का दृष्टिकोण को, इसके साथ साथ इन्होंने जाति और वर्ग के दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया है। जाति की संरचना आज तेजी से टूट रही है। जाति का जो स्ट्रक्चर था, वो आज उस रूप में नहीं दिखाई पड़ता। आज ब्राह्मण जातियों को विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है आज, जैसा कि अब से 500 साल पहले जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अनेक दशाओं के लिए इसके इसको उत्तरदायी माना जा सकता है, जिसमें एक तो औद्योगिकरण में वृद्धि, बड़े बड़े उद्योग लगे, और उन उद्योगों में कास्ट के हिसाब से लोग नहीं भर्ती किए जा सकते थे। ऐसी स्थिति में, मजबूरी में, ये जो जाति का जो दृष्टिकोण धीरे धीरे खत्म होने लगा। आज हम देखते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, वो कास्ट के बेस पे नहीं, बल्कि वर्क के बेस पे, जिसको जितना जितना टैलेंट है, उसके आधार पर उसको वो वहाँ पर पद मिलता है, और उसके हिसाब से वो काम करता है। इस आधार पर जाति का जो स्ट्रक्चर, जो गांव में दिखाई पड़ता था, जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में दिखाई पड़ता था, वो धीरे धीरे औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ साथ टूटने लगा। अगर हम देखें, पिछले 200 सालों में अनेक उद्योग धंधों के लगने के फलस्वरूप इस चीज़ में तेजी से कमी आई। इसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के समय जातिगत भेदभाव समाप्त हुए, क्योंकि उस समय देश को आज़ाद कराना मेन मकसद था। जाति व्यवस्था को बनाए रखना उतना उद्देश्य नहीं था। ऐसी स्थिति में लोगों ने, प्रत्येक जातियों के, प्रत्येक धर्म के लोगों ने आपस में मिलजुल कर एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और ऐसी स्थिति में जाति व्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगी, और जाति स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जाति व्यवस्था का जो रूप था, वो धीरे धीरे समाप्त होकर वर्ग व्यवस्था में बदलने लगा। इसके साथ साथ शिक्षा के प्रसार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें विशेष रूप से जो पश्चिमी शिक्षा थी, उस
ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और जो ये माना गया कि कोई जाति व्यवस्था कोई अलौकिक व्यवस्था नहीं है, कोई भगवान द्वारा दी गई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये तो मनुष्य ने अपने आप में इस व्यवस्था को बनाया है। ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए, और यही प्रयास किया गया। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, वैसे वैसे लोग की समझ में आने लगा कि जाति व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, और इसमें शोषण की व्यवस्था, स्वच्छता का जो दृष्टिकोण, उसको धीरे धीरे समाप्त किया गया। और अपने आप जैसे जैसे लोगों की समझ में आने लगा, वैसे वैसे ये चीज़ें समाप्त होने लगी। इसके साथ साथ नए सामाजिक कानूनों और स्वच्छता का उन्मूलन, अनेक जब हमारा संविधान बना, तो जब हम गणतंत्र कहलाए, उसके बाद संविधान में ये व्यवस्था की गई, अनेक ऐसे कानून बने जिसमें स्पष्टता निवारण अधिनियम बना, हरिजन एक्ट बना, जिसके कारण दबाव में या अंदर से आंतरिक रूप से दोनों स्थितियों में व्यक्तियों ने धीरे धीरे इस जाति व्यवस्था को मानना बंद किया, और धीरे धीरे जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में बदलती चली गई। इसके साथ साथ संयुक्त परिवारों का विघटन, संयुक्त परिवार का विघटन भी इसके लिए जिम्मेदार है, कि क्योंकि ज़्यादातर गांव में रहकर जॉइंट फैमिली में रहते थे, और बड़े बूढ़े जैसा सिखाते थे उसी तरह से सोशलाइजेशन होता था, लेकिन जॉब करने के लिए उनको गांव से शहर जाना पड़ा, शहर से बड़े शहर जाना पड़ा। ऐसे में पूरी पूरी जॉइंट फैमिली के साथ जाकर नहीं रह सकती थी, उनको एकल फैमिली में रहना पड़ता था, और इसी एकल फैमिली में रहने के कारण धीरे धीरे उनके वो जो जाति के जो दृष्टिकोण थे धीरे धीरे कम होने लगे, और वर्ग के डेवलप होने लगे। इस तरह से संयुक्त परिवार का विघटन होने से भी जाति व्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगी। इसके साथ साथ गाँव में जो जाति पंचायतें थी उनका प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हुआ। आज हम अगर बात करते हैं, एक समय बात ये की जाती थी कि जाति पंचायतों के हिसाब से फैसले लिए जाते थे, लेकिन अब कानून का राज हो गया है। अब ऐसी स्थिति में जाति पंचायतों के द्वारा लिए गए फैसलों को सही नहीं माना जाता, और धीरे धीरे जाति पंचायतें टूटने लगीं। और यही कारण है कि जाति पंचायतों में ये सब चीज़ें जाति व्यवस्था के बारे में सिखाया जाता था, जजमानी व्यवस्था थी, तरह तरह की व्यवस्था ऐसी थी जिससे कि जाति व्यवस्था को बढ़ावा मिलता था। लेकिन जाति पंचायतों के टूटने के बाद ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और स्वतंत्रता के बाद इन चीज़ों में और तेज़ी से कमी भी आई, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा स्वतंत्रता हमको चाहिए थी, ऐसी स्थिति में जाति व्यवस्था से भी स्वतंत्रता चाहिए थी। अनेक लोग जो पीड़ित थे, शोषित थे, उनको इस नई व्यवस्था में अपने आप को डेवलप करने के लिए एक नया माहौल मिला, और धीरे धीरे एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, और इन प्रदेशों के आधार पर धीरे धीरे ये चीज़ जाति का रूप धीरे धीरे वर्ग व्यवस्था में बदलना शुरू हुआ। आज स्थिति यह है कि आज हमको जो दिखाई पड़ रहा है वो एक वर्ग व्यवस्था का दृष्टिकोण दिखाई पड़ रहा है। जी एस घुरिया साहब ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, लेकिन उनका यही कहना था कि जाति का जो रूप, जाति का जो दृष्टिकोण हमारे पुराने पहले के विद्वानों ने प्रस्तुत किया वो उतना उचित नहीं, लेकिन जो मैंने प्रस्तुत किया वो वास्तव में सही है।